हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की व्लॉगिंग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बच्चों की डिमांड आई थी डोसे की, तो मैं यहाँ सा डोसा बना रही हूँ और अपनी के लिए नींबू पानी भी, क्योंकि डोसा मंदी गैस पे मतलब धीरे धीरे बनता है कि आराम से ढंग से सिक जाए, तो इसलिए मैं दो दो काम इकट्ठे कर रही हूँ। और चटनी मैं पहले ही बना चुकी थी। तो फ्रेंड्स, किचन का करने के बाद अब मैं रूम में आ गई हूँ। रूम में मतलब अवनी को रेडी कर रही हूँ। अवनी को रेडी करने के बाद अब बस अब रियांश की बारी है। अब रियांश को भी रेडी कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। और अवनी तो बल्कि नीचे चली गई, इतने वो कहाना को नहीं लाएगी, इतने मैं रियांश को भी रेडी कर दूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए पार्क में। हमारा एक राउंड भी कम्प्लीट हो गया है और इस साइड देखो साइकिलिंग भी हो रही है। कल से हम भी साइकिल लेके आएंगे। कहाँ गया वो साइकिल वाला? भाग गया। सुबह सुबह यहाँ तो धूप का पता भी नहीं लगता, इतना बढ़िया मौसम है। अब यहाँ से बताओ। हाँ, यहाँ से नहीं, राइट मुड़े थे जब। चलो ये रास्ता कैप्चर कर लिया, अब सौरभ बताएगा घर जाकर। यहाँ से मुड़े थे हम लास्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारे रास्ते हैं इस जंगल में, हमें पता ही नहीं रहता कि मतलब कौन से रास्ते से मुड़ना है, कौन से नहीं। आज बल्कि तीसरी बार ही आए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे हम तो कहीं और ही निकल गए थे। शायद आपने मेरा वो वाला ब्लॉग भी देखा होगा, तो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। और आज दूसरी बार आए हैं तो सौरभ ने बोला था कि वो कैप्चर करके लाई, तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, क्योंकि सौरभ यहाँ पर डेली आता है, मतलब मेरा देवर। और बस उसको जाके दिखाऊंगी रास्ता कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि उसने दो रास्ते बताए थे हमें, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता। हम चाहते हैं कि हम बड़े रास्ते से जाएँ। तो कोई नहीं, हमें अब ये हम दूसरा चक्कर लगा रहे हो, तो मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। गौरव कह लगी नहीं एक और मकब, बस आज बहुत हो गया है। तो अभी फिर से दो रास्ते आ गए हैं, तो हमने ये वाला चुना है। यहाँ पर तो बल्कि दो भी, कहाँ दो रास्ते निकल रहे हैं वहाँ से भी। तो फ्रेंड्स, हम अब आ गए हैं घर पे, और घर पे आकर बनाए हैं मीठे जवे ब्रेकफास्ट में, और चाय बनने लग रही है बस अब। और दिन में आज लंच में सोच रहे हैं डोसा बना ले, क्योंकि बच्चे भी आज लंच में डोसा ले गए थे, तो आज हमारा भी डोसा खाने का मन कर गया। तो बस अभी सांभर भी बनाऊँगी, सांभर थोड़ी देर बनाऊँगी जो हम खाएँगे। और अब फ़िलहाल हम मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर के 1 बज गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, और अब बन रहा है डोसा। सांभर मैंने बना दिया है, तो बस अब मम्मी को दूंगी। आज मैं बना रही हूँ पनीर का डोसा, पनीर की स्टफिंग भी रेडी है, और चटनी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, और सांभर अभी बनाया है। और सौरभ अपनी तैयारी में चल रहा है, ये अपना डाइट का ही खाता रहता है। अब चिकन तो खा नहीं सकते श्राद्ध में, तो इस वजह से अब ये वेज में ढूंढता रहता है क्या खाए क्या ना खाए। तो चलो देखे आती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब सौरभ भी जिम से आ गया था, वो अपना कुछ डाइट के लिए बना रहा है, और मैं यहाँ डोसा बना रही हूँ। अब दोपहर के 1 भी बज गया था, तो यहाँ पर पहले सिर्फ मैं अपना और मम्मी का ही बना रही हूँ, बच्चों के आने के बाद बच्चों का बना दूंगी। और सौरभ मतलब ऐसा है, कभी किसी को परेशान नहीं करता, अपना बनाता रहता है। और यहाँ हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे थे। सांबर ठीक है? क्या क्या बालक बना दूंगी मैं, हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये सौरभ की डाइट चल रही है। नवरात्रि खत्म होते ही इसकी जगह नॉनवेज होगा। कुछ बोल रहे हैं सौरभ कि नजर लगा के छोड़ी है, तेरे नजर ना लग गया, उठ के नजर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब रात हो गई है और
डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था, तो आज मेरे सूट आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सूटों के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको इनमें से कुछ अच्छा लगे और आप अपने लिए बना भी सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अपने कुछ सूट डिफरेंट डिफरेंट बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ 3 सूट मेरे आए हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक पहला सूट है, ये देखिए मैंने इसके अंदर इनर लगवाया है और ये देखिए मैंने इसका पूरा प्लाजो करवाया है और प्लाजो में नीचे जो है मैंने ब्लैक कलर की लाइनिंग लगवाई है, ये देखिए। और इसपे मैंने मतलब पीछे ये ऐसी डोरी बनवाई है और इसमें मतलब हल्की सी स्ट्रिप और ये देखिए ऐसी फ्रिल वाली बाजू बनवाई है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए। ये सूट मैंने लिया था चांदनी चौक से, मतलब मैं ना मुझे जहां पर भी सूट अच्छे लगते हैं मैं वहीं से खरीद लेती हूँ, मेरी कोई फिक्स मार्केट नहीं है कि मतलब मैं चांदनी चौक जाऊँ, मैरोली जाऊँ, लाजपत जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जहां पर सूट अच्छे लगते हैं मैं वहीं से खरीद लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड सूट है, ये देखिए मैंने इस सूट में देखिए बीच में 2 पाइपिंग लगवाई है और यहाँ चुन्नट भी डलवाई है और इसमें मैंने इनर डलवाया और बाजू देखिए यहाँ से कट करवा कर यहाँ पाइपिंग लगवाई और यहाँ डोरी बनवाई है और पीछे मतलब मैंने बैक में ऐसा कुछ खास नहीं करवाया क्योंकि मैंने यहाँ पर डोरी बनवाई थी। और ये देखिए, ये सूट मैंने मेहरौली से लिया था और ये सूट भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी फिटिंग आई है इसकी भी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड सूट है, इसमें मैंने सलवार करवाई है क्योंकि अब इस सूट में मेरा गोटा पट्टी का काम था तो इसीलिए मैंने नीचे पोचों में भी गोटा पट्टी का काम करवाया है और साथ में मैंने मतलब बाजू में भी ऐसे काम करवाया और पीछे मैंने देखिए पीछे मैंने लटकन करवाई है, मतलब हैवी लटकन करवाई है कि मतलब सूट भी थोड़ा हैवी दिखे। और ये सूट भी मतलब चांदनी चौक से आया था तो मेरे 3 सूट है, तीनों सूटों में मैंने तीनों अलग अलग चीज करवाई है और अभी बल्कि मेरे 2 सूट और हैं, मैं भी वो सोच रही हूँ कुछ उनमें अलग सा हटके यूनिक सा कुछ बनवाऊं। और आपको कुछ अलग अलग डिजाइन पता है तो प्लीज मुझे बताइए क्योंकि मैं भी कुछ सर्च मारती रहती हूँ कि ये डिजाइन अच्छा लगेगा वो लगेगा, तो मुझे इस सूट के लिए ये डिजाइन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये करवाया। खासकर मुझे इसकी ये बैक की जो डोरी है मुझे ये अच्छी लगी। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मेरे सूट के डिजाइन कैसे लग रहे हैं आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।